बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर वन और लेक्चर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन हमारे पास कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हम वर्ड का मीनिंग देखें इसका, दो चीजें, एक इलेक्ट्रो है और दूसरा स्टैटिक है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। अगर इन दोनों के लफ्जी मीनिंग से भी देखें तो हमें समझ आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस कि चार्जेस जो रेस्ट में, तो इसकी प्रॉपर स्टैटिक डेफिनेशन आती है ऐसे चार्जेस जो रेस्ट में है उनके बारे में जो स्टडी है उसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो चार्जेस रेस्ट में है इनके बारे में जो स्टडी है उसको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। बाकी सारे वर्ड क्लियर है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं वापस। अब ऐसी फोर्स जो क्या करे, होल्ड करे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ऐसी फोर्स जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके रखे। अब नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट क्यों करता है? कोई फोर्स मौजूद है, कोई चीज मौजूद है, और उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और यही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये जब आपस में मिलते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और एटम और मॉलिक्यूल्स मिल गए ये पूरी की पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को बना रहे हैं। हमारे पास हमारा जिस्म, ये बिल्डिंग, ये बॉर्ड, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी कैसे बनी हैं? ये चार्जेस के कॉम्बिनेशन से बनी हैं। अब इसी तरह से अगर हम देखते हैं, हमने कहा इलेक्ट्रिक फोर्स की बात, अगर हमने कूलम्स लॉ की इलेक्ट्रिक फोर्स, अब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो एक बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वह हमारे पास कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ के बारे में डिटेल से पहले हम इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि हमारे पास कितने चार्जेस की टाइप्स हैं? दो। हमारे पास चार्जेस की कितनी टाइप्स हैं? दो। हमने पहले पढ़ा हुआ नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। न्यूट्रल तो नहीं है, नहीं है न्यूट्रल चार्ज नहीं है, ना न्यूट्रल अलग है, न्यूट्रल है चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। एक चार्ज सपोज किया ये नेगेटिव है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है? पॉजिटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जो ऑपोजिट चार्जेस है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, Q1 Q2। अच्छा, अब हमारे दो किस्म के चार्जेस आ गए, एक क्या कहते हैं हमारा नेगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव। अब यहां पर लिखा है सेम रिपेल, जो सेम होंगे वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास एक चार्ज Q1, एक दूसरा चार्ज हमारे पास Q2, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव Q1 Q2, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब सपोज करते हैं कि ये नेगेटिव और नेगेटिव ये एक अलग सिस्टम के अंदर मौजूद है, ये एक अलग सिस्टम के अंदर मौजूद है। अब देखा ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? ये भी रिपेल करेंगे। और अगर हम इसी तरह से देखते हैं अगर तो हमारे पास क्या हो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, या पॉजिटिव और नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है क्यू वन क्यू टू, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिट चार्ज डिफरेंट चार्ज से कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सेम रिपेल, सेम रिपेल एक जैसे होंगे, नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो रिपेल कर रहे हैं, हम ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, ऑपोजिट नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव ये अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे पास। अब हमारे पास बात आई कि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। अब ये तो हमें पॉइंट क्लियर है, लेकिन मसला ये आ रहा है कि कौन सी फोर्स कितनी ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करेगी, कौन सा चार्ज इस दूसरे चार्ज को कितनी ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो हमारे पास बात थी कि हमने मेजर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखा कि हमने 1874 किसने की सर चार्लेस कूलम,
और ये उन्हीं के नाम पे इस लाग हमने नाम रखा है, क्योंकि उस जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस कुलम था उनका नाम, तो उसी के नाम पे हमने कुलम लाग का नाम रखा। अब हमारे पास लाग है उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, मतलब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो दो चार्जेस के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान। अब पॉइंट चार्जेस के लव यूज किया, पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज जिनका साइज उनके डिस्टेंस से ज्यादा हो। सपोज हमारे पास यहां पर अगर हम देखते हैं कि इसको देखो यहां हमारे पास क्या है, एक ये चार्ज और दूसरा ये चार्ज, ये Q1 ये Q2। अब इनके दरमियान ये डिस्टेंस है, लेकिन इसका जो साइज है अपना वो कितना हमारे पास इधर से लेके इधर तक, इसका साइज कितना है इधर से लेके इधर तक, मतलब ये एक चार्ज ये दूसरा चार्ज इनका जो साइज है ये बहुत ही छोटा है इनके दरमियान डिस्टेंस। ऐसे चार्जेस को पॉइंट चार्जेस का नाम देते हैं, ऐसे चार्जेस जिनके जिनका साइज उनके दरमियान डिस्टेंस से क्या हो बहुत ही कम हो, चार्जेस का साइज उनके दरमियान डिस्टेंस से क्या हो कम हो, ऐसे चार्जेस को क्या नाम देते हैं पॉइंट चार्जेस। अच्छा अब फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट किसके चार्जेस के। हमारे पास जो फोर्स है जितने ज्यादा चार्ज होंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा या प्रोपोर्शनल होगा। फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, स्केल ऑफ द डिस्टेंस, स्केल ऑफ द डिस्टेंस। अब अगर मैं ये नहीं समझ आ रही है, अगर ये दो सामने क्वेश्चन देखें, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू वन क्यू टू, क्यू वन ज्यादा हो गया क्यू टू ज्यादा हो गया दोनों ही ज्यादा हो तो फोर्स क्या होगी ज्यादा होगा। फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान डिस्टेंस इधर से लेके इधर तक, Q1 और Q2 के सेंटर पॉइंट आके जो डिस्टेंस है वो r, और वो जितना ज्यादा होगा वो फोर्स उतनी ज्यादा। सिंपल है, ये चार्ज और ये चार्ज जितने ज्यादा दूर होंगे उनके आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन उतनी कम होगी। अब इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को फिर इकट्ठा करते हैं प्रोपोर्शनलिटी को, तो f Q1 Q2 ओवर r से क्या आता है। अब डायरेक्टली का समझने का आप खत्म करें और साथ में इक्वल अगर एक कांस्टेंट डाल देना हमारे पास। अब k यहां पे कांस्टेंट है, k कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये 104 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारे पास यहां पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी इसकी जो फ्री स्पेस के अंदर वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो वो क्या 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट्स जो है डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, नेगेटिव का साइन है यहां पे शो कर F21
कि जो 1 2 पे लगा है उसको लगा रहा हूं 4 बाय एप्सिलॉन q1 q2 यहां पे क्या आएगा सामने यूनिट वेक्टर यहां में सामने क्या आएगा यूनिट वेक्टर यहां में स्क्वायर आएगा ये क्या आएगा स्क्वायर अच्छा अभी ये वापस आ गया है तो इसके बाद निकल ये दोनों क्या हैं एक दूसरे के इक्वल है ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है लेकिन फर्क क्या आना हमारे पास क्योंकि फोर्स और मेगा म्यूचुअल फोर्स के बारे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो फर्क क्या आएगा सीधा फोर्स सीधा डायरेक्शन और डायरेक्शन को हम किससे जोड़ कर देंगे यूनिट वेक्टर से और यूनिट वेक्टर है तो वो हमारे पास क्या होंगे एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आर वन टू इक्वल होगा आर टू वन के बिल्कुल ऑपोजिट होगा इसलिए हमने नेगेटिव का साइन लगा दिया जब ये है फिर हमने आर टू वन की जगह क्या लगा दिया माइनस आर वन टू उसके बाद एक बार एफ वन टू इक्वल टू एफ माइनस एफ टू वन अब यहां पर हमारे बात आती है कि इसके दरमियान में मीडियम क्या है हमारे पास एक चार्ज क्यू वन दूसरा चार्ज क्यू टू इनके दरमियान में जो मीडियम है वो क्या है मीडियम अभी जो मीडियम है मींस के दरमियान में हवा है पानी है कोई लकड़ी का बॉक्स है वो क्या चीज है ये इस पर डिपेंड कर रहा है ठीक है अब इसके बाद निकाल जो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है इसके दरमियान में जो इंसुलेटिंग मटीरियल होगा उसको हम क्या नाम देंगे डाइलेक्ट्रिक अब हम निकाल रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है हमारे पास फोर्स जो कंपेयर करें हम फोर्स हम कंपेयर करें किस तरह से कंपेयर करें किसके दरमियान में मीडियम ना हो मतलब फ्री स्पेस हो या फिर कंपेयर करें किसके साथ जब इसके दरमियान में कोई मीडियम हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देते हैं मतलब ये कोई और साल में मीडियम को ऐड किया हो अच्छा अगर जब ये चीज आती है तो हमने कहा कि हमारे पास जो फोर्स किसी मीडियम के अंदर होगी फोर्स किसी मीडियम के अंदर होगी तो वही फॉर्मूला होगा सिर्फ एप्सिलॉन आर का एक फैक्टर है ऐड किया जाएगा जो कि रिलेटिव परमिटिविटी बाकी सारा वही आएगा और एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है एयर के लिए वो 1.006 आ गई अब तक इतने काफी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़